हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इनकम टैक्स के नए पोर्टल पे अपने फॉर्म 26AS को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही में फॉर्म 26AS क्या होता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने ब्राउजर के अंदर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए, जो है incometax.gov.in। ये इनकम टैक्स का नया पोर्टल है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से चेंज कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने फॉर्म 26AS को इनकम टैक्स के इस नए पोर्टल पर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फॉर्म 26AS क्या होता है। तो अगर आपका किसी तरीके का TDS कटता है, TCS कटता है या आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया होता है, तो इन सब की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS के अंदर ही शो होती है। और अपनी इनकम टैक्स को फाइल करने से पहले सबसे पहले आपको फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर आपका कोई TDS है, TCS है, एडवांस टैक्स है, तो वहाँ से वो सारी फिगर्स ऑटोमेटिक ही आपके इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर रिफ्लेक्ट होगी। तो आइए देखते हैं आप किस तरीके से फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं और अपने पैन नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना पैन नंबर डाल देते हैं, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इस ऑप्शन पे टिक कर देते हैं जिसपे लिखा है प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज, देन यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आप सक्सेसफुली इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो उसको फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 26AS को जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे आपका TDS कट गया हो, TCS कट गया हो, तो वो सारी फिगर वहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो जाती है। और जब तक आपके फॉर्म 26AS के अंदर फिगर शो नहीं होती, तब तक आप इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल ना कीजिए, क्योंकि जब आप रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो सारी फिगर्स हमें शो हो जाती है। तो फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने के लिए ऊपर की तरफ आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे टैब आ जाते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड, ई फाइलिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ई फाइल वाले टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दो तरीके के ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न, देन दूसरा इनकम टैक्स फॉर्म। तो इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करते और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न, ई वेरीफाई रिटर्न और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते यहाँ पे हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ट्रेसर्स की वेबसाइट पे बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। तो ट्रेसर्स की वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है, आई एग्री फॉर्म 16 एंड 16A जनरेटेड फ्रॉम ट्रेसर्स, और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने फॉर्म 26AS हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है जिसपे लिखा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। इस पे क्लिक कर देंगे। अब इस पर क्लिक करते यहाँ पे हमसे दो ऑप्शन पूछेगा, सबसे पहले आपको किस असेसमेंट ईयर का देखना है और आपको किस फॉर्मेट में देखना है। तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर हम डाल देते हैं 2021-22 का हमने देखना है, और यहाँ पे व्यू एस के अंदर हम डाल देते हैं HTML फॉर्मेट में देखना है। देन सिंपल यहाँ पे जैसे हम व्यू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने फॉर्म 26AS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका कोई TDS कटा है तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इनका TDS कटा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने अपने PF के अंदर से पैसे विड्रॉल किए थे, तो यहाँ पे इनका 10% TDS कटा है जो है 10,893। सेम इसी तरीके से अगर कोई TCS है, एडवांस टैक्स है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल के अंदर आ जाती है। और यहाँ पे अगर आप इसको PDF के अंदर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोबारा से असेसमेंट ईयर सेम रहेगा, व्यू एस के अंदर HTML रहेगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट एज PDF पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करते आपके कंप्यूटर के अंदर PDF डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे इस पर क्लिक करते आप ओपन कर देते हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपको PDF फॉर्मेट के अंदर फॉर्म 26AS शो होता है। यहाँ पे वही सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, देन यहाँ पे आपको सेक्शन भी आ जाएगा कि किस सेक्शन के अंदर आपका TDS कटा है और यहाँ पे किस डिपार्टमेंट की तरफ से TDS काटा गया है, जैसे कि रीजनल PF कमिश्नर। तो यहाँ पे यानी इन्होंने PF से पैसे विड्रॉल किए थे, जिसका सेक्शन 192A आता है और इस सेक्शन के अंदर इनका 10% का TDS कटा है। यानी अगर आप PF से 50,000 से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल करते हैं तो वहाँ पे आपका 10% TDS एप्लीकेबल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न, GST रिटर्न, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, लोगो रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट या इस तरीके का कोई भी बिजनेस वर्क करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी आपकी पेड सर्विस है और काफ़ी कम प्राइस के अंदर आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।